नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पार्ट्स बाबा। पार्ट्स बाबा लेके आए आपके लिए मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। तो आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो ये मोबाइल की हमारी पीसीबी होती है, हमें इस पीसीबी स्टैंड पे ये किस तरीके से हमारे को सेट करनी है। तो इसके इस पीसीबी को सेट करने के लिए हमारे पास है हमारा पीसीबी स्टैंड, और हम आज आपको बताएंगे किस तरीके से पीसीबी सेट होती है। क्योंकि एक मोबाइल की जो पीसीबी होती है उसको काफ़ी अच्छा स्टेबल रखने के लिए और उस पीसीबी पे काम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए एक मोबाइल जो पीसीबी स्टैंड होता है अच्छी क्वालिटी का। अगर हम नॉर्मल क्वालिटी का कोई भी पीसीबी स्टैंड यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब अगर हमारे हाथों से कोई हल्का सा प्रेशर लगता है पीसीबी के साइड में, या जब हम उस पर काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि पीसीबी छटक के बाहर हो जाती है। इसलिए हमारे को उस टाइम पे रिक्वायर्ड होती है एक अच्छी पीसीबी जो कि हमारे पीसीबी बोर्ड को बिल्कुल पकड़ के रखे। तो हम इस टाइप का एक हमारे पास पीसीबी स्टैंड है, और ये हमारी जो पार्ट्स बाबा www.partsbaba की ऑनलाइन साइट है, उस पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे जो हमारे पास मोबाइल के टूल्स हैं आप वहाँ से उनको बाय कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से हमारे को पीसीबी सेट करनी है। सबसे पहले हम इस पीसीबी को कुछ इस तरीके से अपने पीसी स्क्रीन की तरह करते हैं सेट, और इस तरीके से कुछ पीसीबी सेट हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा टाइट करके कुछ इस तरीके से कस देंगे पीसीबी। अब हम यहाँ पे इस पीसीबी में कितना भी वेट रख लें, साइड से कोई भी प्रेस कर लें, ये पीसीबी हिल नहीं सकती और अपने जगह पर स्टेबल रहेगी। तो आज हमने देखा कि सबसे पहले हम किस तरीके से पीसीबी मोबाइल पीसीबी को इस स्टैंड पे सेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आगे की प्रोसेस। हमको इस पीसीबी में चाहे ये जैक चेंज करनी है, चार्जिंग जैक चेंज करनी है, अदर छोटे कंपोनेंट्स कैसे चेंज करने, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।